तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा वैलिडेशन, और हमारे साथ है तेजिंदर जी एंड अनिल जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब ये हुआ कि डेटा एंट्री करते समय मैं वैलिडेट डेटा एंट्री करूँ। जैसे आप लोग फॉर्म वगैरह भरते हैं तो वहां पे अगर आपने मोबाइल नंबर का डिजिट कम डाल रखा है या ईमेल आईडी गलत डाल रखा है या कुछ ऐसी गलत डालते हो जो फॉर्म के रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको बताता है कि प्लीज फिल द फॉर्म करेक्टली। सेम उसी तरह से अगर आप कोई डेटा एंट्री कर रहे हो, आप चाहते हो कि डेटा एंट्री में कोई चीजें ना डले या मेरे अकॉर्डिंग डले, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेटा वैलिडेशन। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा अमाउंट है और मैं चाहता हूं कि अमाउंट इसमें डेसिमल में ना डले, समझ गए? मतलब कि हमें अमाउंट राउंड फिगर में चाहिए, हम डेसिमल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राउंड फिगर एक्सेप्ट करते हैं। तो उस केस में हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ लिस्ट पे जाएंगे, और लिस्ट पे जाने के बाद यहां पे आप डाल दीजिए जो आपका डेटा लिस्ट है। जैसे कि मैंने डाल दिया लिस्ट, माफ कीजिएगा मैं गलती बोल गया, सॉरी, होल नंबर। होल नंबर पे आएंगे और यहां मैं कंडीशन जो है ग्रेटर देन हमने जीरो दे दिया, तो होल नंबर होता है कि जीरो से बड़ा डालना है। होल नंबर का मतलब क्या हुआ कि इसमें डेसिमल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहां पे जैसे देखिए डालते हैं, ले रहा है 5.33 डाला तो डेसिमल एक्सेप्ट नहीं किया। तो आप चाहते हैं कि डेसिमल भी एक्सेप्ट करे लेकिन किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा हो, तो वहां पे आप डेसिमल को सिलेक्ट कर सकते हो और जिस नंबर से बड़ा डालना चाहते हो कि भाई हम भाई 1000 से ऊपर होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन आप यहाँ डाल सकते हो। और 1000 से नीचे डालेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, 1000 से ऊपर डालेगा और डेसिमल में भी डालेगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। ये कंडीशन आप डिफाइन कर सकते हो। उसी तरह से मान लीजिए कि मेरा सिटी लिस्ट है और मैं चाहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर सिटी डाले, ड्रॉप डाउन लिस्ट आए उस पे, तो उस केस में हम यहाँ डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ लिस्ट पे आएंगे और लिस्ट में आप यहाँ डाल दीजिए जो लिस्ट देना। जैसे मैंने डाल दिया दिल्ली, पुणे, पंजाब, पटना, नोएडा, कानपुर, और यहां देखिए ठीक है। लेकिन बात है कि मेरे पास सिटी लिस्ट ऑलरेडी है, यहाँ पे मैं इस सिटी लिस्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो भी आप कर सकते हैं यहाँ डेटा वैलिडेशन में लिस्ट, और लिस्ट में आप जाके सिलेक्ट कर लीजिए जो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। और उसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पे और जो नेक्स्ट आता है उसके बात कर लेते हैं। डेट, कोई पर्टिकुलर डेट डालना चाहते हो कि कोई डेट के बीच का या कुछ डेट से बड़ा या छोटा, वो चीज आप यहां सिलेक्ट कर सकते हो। डेट के बाद आता है टाइम, टाइम में अपने हिसाब से जो टाइम डालना चाहे डाल सकते हो। और आता है टेक्स्ट लेंथ में मैंने मान लीजिए कि मैं यहां अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूं, मोबाइल नंबर, और मैं चाहता हूं कि मेरा मोबाइल नंबर कोई 10 से कम ना डाल पाए, तो हम यहाँ डेटा वैलिडेशन में आते हैं और हम जाते हैं टेक्स्ट लेंथ पे, और यहाँ पे हम कर देते हैं नॉट इक्वल, यहाँ पे इक्वल टू हम देते हैं यहाँ पे 10। तो जैसे कोई मोबाइल नंबर अगर उससे कम डिजिट का डालेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इस पे हमने जब गलत टाइप किया तो ये कुछ दिखा रहा है, अब हर कोई इस लैंग्वेज को तो नहीं समझ पाएगा ना सर,
जो एक्सेल से फैमिलियर है तो समझ जाएगा यहाँ डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है, जो एक्सेल में बिगनर है वो तो नहीं समझ पाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे कि हम एक तरीका अपनाएंगे कि सिलेक्ट कर लीजिए और डेटा वैलिडेशन में यहां आपके पास आता है इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज में क्या होगा, जब कर्सर जाएगा तो शो करेगा, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं कि एंटर मोबाइल, और यहां पे मैंने दे दिया प्लीज एंटर करेक्ट, एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। तो जहां जैसे कर्सर जाएगा ये आपको दिख जाएगा। अब हम लोग कमेंट्स लगाते हैं ना, राइट क्लिक इंसर्ट कमेंट, यहां पे एक चीज और देख लीजिए। तो कमेंट में क्या होता है, जो कर्सर जाता है तब दिखता है, माउस पॉइंटर, सॉरी माउस पॉइंटर जाएगा तब दिखेगा, लेकिन कीबोर्ड कर्सर जाएगा तो कर्सर जाने पर नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा कमेंट बना लो जो कर्सर जाने पर भी दिखे, तो उसके लिए आप डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। अब डेटा वैलिडेशन में लेकिन मैसेज भी देना है आपको, तो यहाँ अलर्ट में हम मैसेज दे देते हैं यहाँ पे कि रॉन्ग मोबाइल नंबर, और यहाँ पे लिखते हैं प्लीज री एंटर मोबाइल नंबर। सॉरी गलत हो गया, तो जैसे ही कोई गलत नंबर डलेगा ये आपको बता देगा। क्लियर सर, समझ गए। लेकिन इसमें भी दो टाइप है, पहला स्टॉप मतलब किसी भी कंडीशन में नंबर को एक्सेप्ट नहीं करेगा पहले, दूसरी वार्निंग, ये आपको वार्निंग देगा, मतलब कि आप यहाँ टाइप करेंगे तो बोलेगा, आप यस पे क्लिक कर देंगे तो नंबर एक्सेप्ट कर लेगा। और दिशा आता है इंफॉर्मेशन, ये जस्ट आपको इन्फॉर्म करेगा और नंबर एक्सेप्ट कर लेगा कि आपने गलत नंबर डाला है। तो प्रायोरिटी के ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो डेटा वैलिडेशन में हमने जिक्र किया यहाँ पे एनी, यहाँ पे अब होल नंबर डेसिमल लिस्ट ये सब चीज में, इसमें एनी अवेलेबल मतलब मान लीजिए आपको किसी का हटाना है, मतलब मुझे इसका डेटा वैल्यूएशन हटाना है, तो आप डेटा वैल्यूएशन में जाए और यहाँ लिस्ट में एनी वैल्यू करके ओके कर, तो यहाँ डेटा वैल्यूएशन हट जाएगा। अब बात करते हैं कस्टम की। अभी क्या है कि ऐसे मान लीजिए कि आप जब लिखते हैं ना कोई ऐसी देते हैं डेटा को और वैलिडेशन देते हैं, तो उसमें कस्टम वैलिडेशन देना हो, जैसे कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे अकाउंट नंबर में लिख रहा हूं और अकाउंट नंबर में यहाँ पे टेक्स्ट कोई ना लिख पाया, तो मैं डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा और यहाँ लिस्ट पे आऊंगा और यहाँ पे दूंगा इज नंबर और यहाँ इसको सिलेक्ट कर लूंगा और ये डॉलर साइन हटा दीजिए एंड ओके। और सॉरी एक माफ कीजिएगा, ये हमें कस्टम में देना होगा, कस्टम एंड ओके। फिर इसको कॉपी किया और नीचे तक गया एंड राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहां पे वैलिडेशन। अब क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख के एंटर मारूंगा मुझे एरर देगा। तो इस तरह की फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। सबको सिलेक्शन करके वैलिडेशन लगाएंगे तो वो भी ठीक होगा ना सर? हाँ
नहीं, फॉर्मूला में आपको एक ही देना है, दिखा देखिएगा एक्सेल को, क्योंकि फॉर्मूला तभी, फॉर्मूला तभी तो आगे बढ़ेगा। नहीं समझे, आपने यहाँ पे क्या दिया था, ए टू दिया था ना, जब हम कॉपी पेस्ट करेंगे तभी तो ओ ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव बनेगा, समझे ना, इसलिए आपको एक सेल पे लगाना है और उसको बढ़ना है। उस तरह से मान लीजिए कि मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा नेम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ कस्टम में आऊंगा और यहाँ पे इक्वल दूंगा फॉर्मूला काउंट इफ, और काउंट इफ में मैंने पूरे रेंज को सिलेक्ट करके हमने इसको दे दिया सी बाई सी में सी टू, और मैंने बोला कि इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए। इक्वल टू वन क्यों, क्योंकि एक एंट्री होनी चाहिए, एक एंट्री तो होना ही चाहिए ना सर। तो इक्वल टू वन कर दिया। अब मैं यहां पे इसको कॉपी करूंगा और जहां तक आप पूरे सीट ही सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हम क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल में यहां पे वैलिडेशन हो गया। अब यहां पे वन करेंगे, टू करेंगे, सॉरी यहां फिर वन कर दिया तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ गए, नंबरिंग कैरेक्टर को भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा सर, नहीं। ए वन बी एनी डुप्लीकेट, एनी डुप्लीकेट, एनी डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। गुड गुड, ओके सर। समझ आ गया सर। लेकिन मैं चाहता हूं, जैसे मैंने मोबाइल नंबर लिया, मैं चाहता हूं कि मेरा मोबाइल नंबर ना डुप्लीकेट हो और ना ही 10 डिजिट से ज्यादा हो, मतलब कि मुझे डेटा वैलिडेशन में एक ही सेल में दो कंडीशन लगाने हैं। तो इक्वल यहां पे दूंगा फॉर्मूला एंड का, एंड, और मैं दूंगा काउंट इफ, और हमने पूरे को सिलेक्ट कर लिया और बोला E2 इज इक्वल टू वन, और फिर मैंने दिया लेंथ में लेन और इसको सिलेक्ट कर लिया एल इज इक्वल टू 10। समझ गए, जब दो कंडीशन लगाना हो, दोनों रिक्वायर हो तो एंड, और ऑप्शन हो तो और का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड और हमने पढ़ा है, हाँ। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर गलत लिखूंगा तो आ जाएगा आपका, नंबर सही लिखूंगा तो आपका आ जाएगा, और आप इसको कॉपी करके राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ वैलिडेशन। अब मैं यहाँ पे एक ही नंबर को अगर दो बार लिखा तो फिर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, नंबर अगर दूसरा है तो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है सर, समझ गए। तो आप सर डेटा वैलिडेशन पे आप प्रैक्टिस करें और मुझे डेटा वैलिडेशन पे 5 एग्जांपल बना के दे प्लीज सर, भेजिएगा जरूर डेटा वैलिडेशन के 5 एग्जांपल। ठीक है, आपने आपने वीडियो भेजा था बहुत बार, आप लोग
वो वीडियो भी भेजा, यो डिपेंडेंट बोलता है ना, डिपेंड, वो मैं उसके कल नीचे। कल डिस्कस बात करूँ, कल उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें रह के राम इसमें, पढ़ाएंगे कैसे। हाँ इसमें डेटा एवलुएशन के 5 एग्जांपल दीजिए, फिर कल हम आपको डिपेंडेंट लिस्ट बॉक्स के बारे में, लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है सर, ठीक है ना? ओके, और कोई डाउट क्वेश्चन है आपके ओके, पास? अभी तो नहीं सर। ओके, थैंक यू।